दोस्तों, करौंदे के फल में ऑक्सलेट नाम का तत्व पाया जाता है जो बॉडी में यूरिन के लेवल को 43% तक बढ़ा देता है, जो कि आगे चल के किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, करौंदा का जूस बॉडी में B12 को एब्जॉर्ब कर पेट में एसिड बनाता है। ऐसे में उन लोगों को जिन्हें एसिडिटी की समस्या हो, उन्हें करौंदा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करौंदा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पेट में सूजन का कारण बन सकता है, क्योंकि ये बॉडी में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, करौंदे में प्रचुर मात्रा में सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, जो कि एलर्जी का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आपको एलर्जी हो तो आपको करौंदे के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, आजकल करौंदा के कई ऐसे प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे में इसका सेवन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों, करौंदे के जूस में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या आ सकती है। दोस्तों, आर्थराइटिस और अल्सर से पीड़ित लोगों को करौंदे के सेवन से बचना चाहिए। यदि आर्थराइटिस और अल्सर से पीड़ित लोग करौंदे का सेवन करेंगे तो उनकी समस्या और बढ़ सकती है। दोस्तों, करौंदे के अधिक सेवन से अपच और डायरिया जैसी समस्या भी आ सकती है। वैसे तो करौंदे के फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई के साथ साथ प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व तो पाए जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण भी मौजूद हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। परंतु करौंदे के अधिक सेवन से बॉडी में कई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। दोस्तों, इसलिए हमें करौंदे के अधिक सेवन से बचना चाहिए।